मिस्टर त्रिपाठी के ऑफिस से बात हो गई है। बहुत ही नामी वकील हैं, प्रॉपर्टी और वसीयत के केसेस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। मुझे तो पूरा यकीन है ये कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे वसीयत खुलवाने का। थोड़ी देर में खुद ही फोन करेंगे। मतलब काम हो गया, अब छोटी बहू से हम लोग सब कुछ अपने नाम करवा सकते। इस बात में तो पार्टी होनी चाहिए। अच्छी कैसी पार्टी और किस बात की पार्टी? है कोई बात? बोलो भला सासू माँ, हम तो सिर्फ नाम के बड़ी बहू रह गए हैं इस घर में, बातें तो हमें सबसे आखिर में पता चलती। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेट में कोई बात टिकती नहीं। ओजी, अब की बार हम कह दे रहे हैं आपसे, जब भी पार्टी होगी आपको हमें 3 दिन पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साड़ी दो बार नहीं पहन सकते। हाँ हाँ श्रीमती जी, इस बार पार्टी में सब कुछ नया हो। सच्ची? मैं हूँ मालकिन। क्या बात है मालकिन? कोई त्रिपाठी जी का फोन है। अच्छा ठीक, तुम जाओ मैं आ रही। वकील साहब, आप जल्दी आके हमसे मिलिए ताकि मैं आपको पूरी बात विस्तार से समझा सकूं। मैं जाकर सबको बताती हूँ। राजपुरोहित को खतरा और इसी परिवार की कोई सदस्य से?
इससे खतरा दादाजी। कौन है दादाजी? बोलिए, कोशिश कीजिए दादाजी, मैं समझ रही हूँ, बताइए। अरे इस चक्कर में तो बुढ़े को इंजेक्शन देने में देर हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि असर ही खत्म हो जाए। हाँ दादाजी, हम बताने की कोशिश कीजिए, किससे बचाए बताइए ना। कौन है दादाजी, बोलिए। दादाजी नाम बताइए, नाम बताने की कोशिश कीजिए दादाजी। तुम यह क्या कर रही हो? वो बड़ी माँ क्या बात करेगी बाबूजी से? महेश्वरी से कुछ मत कहना राधिका, तब अनर्थ हो जाएगा। छोटी बहू इतनी घबराई हुई क्यों? बड़ी माँ, दादाजी को बहुत खांसी हो रही थी, यही सुनकर मैं अंदर आई, मैंने दादाजी को पानी पिलाया और इनके लिए दूध लेने बाहर जा ही रही थी कि तभी तभी क्या? बड़ी माँ, दादाजी का हाथ हिला। मैं पूरा यकीन है कि बाबूजी का हाथ हिला। हाँ बड़ी माँ, मतलब 12 साल से इस बात का मुझे इंतजार था, वो आज हुई और मैं ही कमरे में नहीं थी। पूरा भरोसा है तुम्हें कि इनका हाथ हिला था? 12 साल से इनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है छोटी बहू। पर करीमा, दादाजी कुछ अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके दोपहर के खाने की तैयारी करो, मैं बाबूजी को दवा देके आती हूँ। जी No, no, no.
की बात कर रहे थे दादाजी, हमारे परिवार में ऐसा कौन है जो नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर दादाजी बोल सकते हैं तो अभी तक किसी परिवार वाले को ये बात क्यों नहीं पता? और दादाजी ने ये बात सिर्फ मुझसे ही क्यों की? मुझे बोलो भला, ये भी कोई बात हुई? कभी कभी तो आप कहते हैं इस घर में सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारी हम ही है, और कभी कभी हर काम के लिए जिम्मेदार हमें ही ठहराते हैं। बस करो, आप तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे, तुम्हारी बकवास सुन के मेरे सर में दर्द होने लगा। सुनो, मेरे लिए काली कॉफी लेके आए और साथ में सरदर्द की गोली भी। जी जी, काली कॉफी से आपके पेट में जलन होगी, मैं आपके लिए काढ़ा बना लेती हूँ, आपको आराम मिलेगा। देखा? ओजी, अब हम क्या देखें? हमारे घर में तो कभी किसी का सरदर्द नहीं, इसीलिए हमें काढ़ा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे यही लगता था कि घर में सब कुछ ठीक है और अच्छा है, और रोहन बाबू की बीमारी ही इकलौता दुख है, पर ऐसा नहीं है। मुझे अपनी कृष्ण कन्हैया से ये बात करनी चाहिए, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। शायद बड़ी मां से बात करने से कुछ हल निकले। दादाजी बड़ी माँ के सामने चुप हो गए थे, हो सकता है वो ये बात बड़ी माँ को नहीं बताना चाहते हैं, हो सकता है इस बात को जानने से बड़ी माँ पर ही कोई संकट आ जाए। नहीं, मुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए, एक बार दादाजी से ही दोबारा बात करनी चाहिए। दादाजी के कमरे में फिर से जाना होगा, हो सकता है वो मुझे और बातें बताएं, वो बातें जो आज तक उन्होंने किसी से नहीं कही। क्यों आई है आप यहां? मैं दादाजी से। क्या आप जानती नहीं कि ये समय दादाजी के आराम करने का है? मैं बस यही देखने आई थी कि दादाजी ठीक है या नहीं। दादाजी का ख्याल रखने के लिए इस घर में बहुत सारे लोग हैं, आपको उनका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया करके आप यहां से चले जाइए। जब भी बड़ी मां दादाजी को दवाई दे देती है, हमेशा से मैं ही उनके पास आके बैठता आया। ये पिछले 12 सालों से चला रहा है, और इसमें किसी के दखल अंदाजी मैं बिल्कुल नहीं सहन करूंगा। ठीक है, तो फिर दादाजी कब उठेंगे? क्यों? थोड़ी देर दादाजी के पास बैठना है, वो जब भी सोकर जाग जाए तभी। क्यों? अपनी दुखभरी कहानी सुनाना चाहती हैं आप दादाजी को?
तो किस तरह आप बचपन के खेल को शादी मान के बैठी? तो किस तरह आपको किसी और की पत्नी बनना पड़ा? ये कहानी सुनाकर मेरे अच्छे भले भाई को आप पागल बना चुकी हैं। कृपा करके मेरे दादाजी को बख्श दीजिए। जाइए अब यहां से। क्या ये भी कोई मेरे पास आने की घटिया चाल तो नहीं? आप हमें अकेला छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी सहन शक्ति की और परीक्षा मत लीजिए। आपकी ये कोशिश और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं चुप। सब पे तो आप ग्रहण बन चुकी है, कम से कम मेरे दादाजी से दूर रहे। परेशान क्यों लग रहा? उस दिन तो बड़े शान से बोला था तुम कि तू अपने प्यार को भुला चुका है, राधिका रोहन की पत्नी है और तू तो अपने परिवार के खातिर बलिदान देना चाहता। क्या वो भूल तो नहीं गया सब कुछ? आज तेरे परिवार की जो हालत है वो तो किसकी वजह से? राधिका की वजह से। रोहन की तबीयत के पीछे कौन जिम्मेदार है? तो नहीं है ना सब कुछ? याद है ना? सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं। तो फिर राधिका को दुख पहुंचाने के बाद तू तो खुद इतना दुखी क्यों हो रहा? वैसे क्यों तूने अपने उस हाथ को इतना दर्द पहुंचाया जिस हाथ से तूने राधिका को धक्का दिया?
से लड़ रहा है। समझ गया, तू अब भी राधिका से प्यार करता है। नहीं, मैं राधिका से नफरत कर किसे धोखा दे रहा है? तू नफरत तो खुद से कर रहा है। तू चाहकर भी राधिका से नफरत नहीं करता। तू राधिका से अभी भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। तू दुनिया को धोखा दे सकता थी, लेकिन तू अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। तू मान क्यों नहीं लेता जो सच है? हाँ, ये सच है, मैं अभी भी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं राधिका से। मैं कभी उससे नफरत कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं राधिका से, बहुत।